नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सोल बाइकर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में और आज फिर से हम जो है मोटो व्लॉग कर रहे हैं। आज तारीख है 20 अप्रैल 2024 और दोस्तों आज हम जो है थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी में मोटो व्लॉग कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं 4K 30 FPS में। तो ऐसे ही में थोड़ा सा क्या नया GoPro है, नया लैपटॉप है, तो ऐसे अलग अलग सेटिंग्स के अंदर वीडियो बना के मैं जो है एडिटिंग करने की कोशिश जो है कर रहा हूँ। तो मोटो व्लॉग जो है बेस्ट तरीका लगता है मुझे चेक करने का कि किस तरह क्वालिटी निकल के आ रही है। धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, क्वालिटी वगैरह इम्प्रूव हो रही है, एडिटिंग थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव कर रहे हैं हम। हमने जो है नया सॉफ्टवेयर भी जो है अब डाउनलोड किया है, DaVinci Resolve, तो भैया उसके अंदर भी हम जो है कर रहे हैं धीरे धीरे। देखो मैं एकदम ईजी सॉफ्टवेयर यूज़ करता था पहले फिल्मोरा, तो भैया थोड़ा सा दिक्कत तो होती है उसके अंदर, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा सॉफ्टवेयर है लगा मुझे, काफ़ी क्लीन है और बहुत बढ़िया भी लगा मुझे। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी उसकी। ये देख रहे हो आप सामने फ़ोन पे बातें चल रही हैं ट्रिपलिंग के साथ, वो भी देखो टॉक में हम मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो ट्रिपलिंग फ़ोन पे बातें ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। मैं आप बात करता रहूँ तो ऐसे मत बोलना कि हर वीडियो में आप ये दिखाते हो, भैया जो रोड पर होगा अपन वही दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहा हूँ छावनी की तरफ और छावनी जाने का रीज़न ये है कि मुझे बुलाया था अतुल सर ने। अतुल सर कौन है एक्चुअली, पीटर इंग्लैंड के मैनेजर हैं वो। उन्होंने लिया था SJKM 6 Legend, जो हमारा पुराना वाला कैमरा था वो उन्होंने जो है ख़रीद रखा है। कहीं घूमने घूमने जाने वाले हैं तो कुछ सेटिंग्स वगैरह जो है उनको समझ में नहीं आ रही हैं। और भैया राजस्थान पथ परिवहन निगम को हम ओवरटेक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्टिमा है, लेकिन कर लिया हमने, वाओ ऑप्टिमा ने रोडवेज को ओवरटेक कर लिया, क्योंकि रोडवेज भैया इनिशियल स्टेज में ही थी तो हमने कर लिया। बाकी ऐसे ओवरटेक करने की गलती ऑप्टिमा से ना करें। किसी भी लो स्पीड स्कूटर 40-45-50 वाले से ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनका एक्सेलरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, इस वजह से। तो ओवरटेक जो है अपने सेफ्टी के हिसाब से करो, इसका भरोसा नहीं होता। बाकी दोस्तों पीटर इंग्लैंड हम पहुंच गए हैं, ये सामने जो है पीटर इंग्लैंड है और यहाँ से हम जो है करने वाले हैं सर से बात। नमस्ते सर। हाँ जी सर, क्या चल रहा है? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया, बैठो। तो दोस्तों फ्री हो गए हम पीटर इंग्लैंड से, अतुल जी के पास हम आए थे क्योंकि थोड़ा सा SJKM SJ6 Legend इन्होंने लिया था। अभी जा रहे हैं केदारनाथ, तो भैया थोड़ा सा इनको समझना था कि कैसे लगाऊं इसको, क्या करें, तो वो सब चीज़ें मैं अतुल जी को समझा रहा था। अब जो है उनको समझ में आ गया सब, अब वो जो है इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग वेटिंग कर दी थी मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ कि मोटो व्लॉग शुरू किया है तो कंटिन्यू भी किया जाए, क्योंकि यहीं तक थोड़ी ना फिर हम आएंगे, हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ऑल द बेस्ट फॉर केदारनाथ यात्रा अतुल जी को। और देख रहे हो आप हीरो बनते की तरफ एक हाथ से बाइक चला रहे हो, भाई चलता है ये सिस्टम, चलता है। और धूप आ चुकी है, धूप भयंकर है आजकल, क्या कर सकते हैं, धूप का जो है कोई उपाय नहीं है, बादल ही उपाय हैं। सबसे बढ़िया रोड लगता है मुझे आ रही है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आज, ये देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो रखी हैं, ये देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पे, पता नहीं कितना दिख रहा है आपको लेकिन गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो रखी हैं। पुलिस लाइन के एकदम सामने गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन एक पहला चरण तो पूरा हो चुका है 19 तारीख को, दूसरे चरण का जो चुनाव है 26 अप्रैल को है, जिसमें हम भी मतदान करेंगे और आप भी करें 26 तारीख को। अगर आप आपके यहाँ पे वोटिंग है तो बिल्कुल जाएं और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। मार्केट की तरफ हम निकल पड़े हैं और अभी हम हैं पुलिस लाइन रोड पे और आगे बढ़ रहे हैं। रेनॉल्ट की भैया ये जो गाड़ी है डस्टर, मतलब इसका अगर ढंग से अपग्रेड किया होता ना तो मतलब यार SUV सेगमेंट को लाने वाली जो गाड़ी, प्रॉपर एक जो है ना, मतलब इसने शुरू किया था माहौल बनाया था इस गाड़ी ने, लेकिन इन्होंने टाइम से अपग्रेड किया नहीं। बाकी कंपनीज अपग्रेड जो है करती रही टाइम टू टाइम, इस वजह से जो है रेनॉल्ट एकदम डाउन चली गई है, सेल्स बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ये दिक्कत है रेनॉल्ट के साथ। एक जो है ट्राइबर ही सेल होती है मेरे ख्याल से, काइगर वगैरह इतनी सेल होती नहीं है, ड्राइवर के दम पे और क्विड के दम पे चल रहा है मामला। क्विड भी कहाँ सेल होती है अब इतनी, मुझे लगता है सिर्फ ड्राइवर ही सेल होती है। हमारे यहाँ का शोरूम बंद हो गया, टोंक में पहले रेनॉल्ट का शोरूम हुआ करता था, वो बंद हो गया क्योंकि भैया महीने की एक दो गाड़ी भी नहीं निकल रही थी। जनरली दूसरी कंपनीज की जो गाड़ी, जैसे टाटा हो गई, हुंडई हो गई, तो ये जो कंपनी है ना ये ज़्यादा सेल कर देती हैं, मतलब 15 से 20 के बीच में आराम से कर देती हैं टोंक में। टोंक का मार्केट छोटा मार्केट है, देख रहे हो आप फ़ोन पे बातें हो रही बड़े प्यार से,
मतलब शौक है भैया टोंक के लोगों के। और सर टोंक के मुख्य बाजार की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं, और यहाँ देखो एक और मतलब अंदाज ही अलग है इनका। तो ये देख रहे हो आप, फोन हाथ में ले रखा है, स्पीकर पे है, बातें कर रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी भी चल रही है। तो ये है जी RJ26 स्टाइल, और ये स्टाइल जो है टोंक में पाया जाता है, फोन जेब में। अब वापस से नॉर्मल जो है राइडिंग शुरू। तो भैया ये है महाभारत एक्सप्रेस, ABP न्यूज़ की गाड़ी है। तो ये जो है माहौल चल रहा है यहाँ पे, न्यूज़ की गाड़ी है, न्यूज़ की, ABP न्यूज़। तो भैया गाड़ी मंगवा ली गई है टोंक के अंदर, छोटा सा सेटअप है गाड़ी में, बढ़िया सा। और हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ सुभाष चौक की तरफ, और ये देखो एक जो है बड़ा ही पुराना सा अजीब सा हेलमेट है, जैसा भी है हाथ में जो है पकड़ा हुआ है, और मुझे लगता नहीं है सर पे लगाने लायक भी है, इसीलिए इन्होंने हाथ पे पकड़ा है। बस पुलिस वाले जब देखते होंगे कि आगे पुलिस वाले हैं तब लगा लेते होंगे शायद, तक बाद में इस जैसी हालत लग रही है मुझे इस हेलमेट की, लगता नहीं है भाई सर पे लगाता होगा। आजकल लोग हेलमेट वैसे पुलिस वाले से बचने के लिए पहनते हैं आजकल। वैसे ये चीज़ सही है कि गाड़ी के साथ ना हेलमेट ज़रूरी हो गया लेना आजकल, जो भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें जो है ज़रूरी है कि हेलमेट आपको लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, कम से कम लोग हेलमेट खरीदते तो हैं, और ऐसे देखो हाथ पे लगा लेते हैं फिर हेलमेट खरीद के। ये हीरो की गाड़ी है भाई साहब ने, लग नहीं रहा एक साल के आसपास से ली होगी, अब इन्होंने लगा रखा है हाथ पे। भैया सर पे लगा लो, देखो अपना काम है नहीं किसी को ज्ञान देने का, तो अपन कहेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग सोचो मैं कहूँ कि भाई साहब जहर छोड़ा इन्होंने, मैं शूट नहीं कर पाया लेकिन क्या शूट करें। और ये देखो सामने गर्दन टेढ़ी करके फ़ोन पे बातें चल रही हैं, TVS iQube पर, ये देख रहे हो आप, हंसते मुस्कुराते गर्दन टेढ़ी करके फ़ोन पे बातें चल रही हैं। अगर उनके रियर व्यू मिरर में देखो तो भाई साहब फुल स्माइल करके बातें कर रहे हैं, एक हाथ भी लगा लिया अभी वापस से कंधे पे आ गए हैं। तो भैया ये जो स्टाइल है ना ऐसे गर्दन टेढ़ी करके बातें करने का, वो अलग ही है, ये काफ़ी जगह पाया जाता है, आपके यहाँ भी पाया जाता है या नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई साहब इनसे हम ये भी नहीं पूछ सकते अभी कि आप कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, क्योंकि फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, वरना हम जो है चलते फिरते रिव्यू कर लेते TVS iQube का छोटा सा। और एक और देखो बंदा सिस्टम ही अलग है सिस्टम। तो मैंने सोचा यार निकले हैं तो वीडियो तो बना ही लेते हैं, ठीक है 4K में, और बन रहा है आज तो अपना वीडियो। पहली बार वैसे मैं ना अपना वीडियो 4K में डालूंगा, मुझे ही लगता नहीं मैंने 4K में कोई वीडियो शूट किया था। पहले जो मेरा SJ कैम था वो 4K सपोर्ट करता था शूट करने का, लेकिन मैंने कभी किया नहीं क्योंकि फिर एडिटिंग वगैरह में दिक्कत होती थी, एडिटिंग सपोर्ट नहीं करता था मेरा PC। और अब तो अपन ने लैपटॉप ले लिया है, ग्राफिक कार्ड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, आराम से 4K पे भी कर सकते हैं अपन। और ये क्या सीढ़ी लेके जा रहे हो भाई, कहाँ पहुँचना है गाड़ी चलते चलते। बड़े कुएं हम पहुँच गए हैं, और दोस्तों मैं चला रहा हूँ हीरो ऑप्टिमा पुरानी वाली, डबल बैटरी में है ये गाड़ी, और मेरी जो है एक बैटरी चार्ज है, एक डिस्चार्ज हो रखी है। अगर दूसरी वाली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी ख़त्म हो गई तो भैया बीच रास्ते में हम जो है अटक सकते हैं भैया घर जाने से पहले। और सामने जो रिक्शा आ रहा है उस पर भाई साहब सामान देखो आप, ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, लोडिंग व्हीकल बना दिया पैसेंजर व्हीकल को, सारे पैसेंजर व्हीकल एक तरह के लोडिंग व्हीकल बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टोंक में, कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की, जो जैसे चाहता है वैसे चलाए, जो बिना नंबर प्लेट गाड़ी लग के चलाना चाहता है कोई नंबर प्लेट नहीं चाहिए, नंबर प्लेट है उस पर कलर भी करवा दिया आपने इस तरह से देख रहे हो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कलर करा दो चलेगा मामला, हल्का हल्का नंबर दिख रहा उस पर लेकिन कलर ही करा दिया भाई साहब ने, कोई टेंशन ही नहीं है। बिना नंबर प्लेट चलाना चाहते हो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ऑटो रिक्शा बिना नंबर प्लेट का चलेगा, नंबर प्लेट का चलेगा, सब चलेगा, यहाँ सब कुछ चलता है, ये टोंक है मेरे भाई, यहाँ क्या नहीं चलता। मैं आज शॉक्ड हूँ देख के नंबर प्लेट है उस पर कलर पेंट कर दिया भाई ने RJ08 कुछ गाड़ी है ये, TVS स्टार सिटी, जोरदार सीन है दोस्तों तो। ओ भाई 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 छपरी राइडर क्या क्या निकला है छपरी राइडर खींच के स्प्लेंडर को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आएगा, पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आपको जो है मोटो ब्लॉग कैसा लगा। चैनल पे जो है और भी प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बना रखी है, मैंने जो है काफ़ी सारी गाड़ियों के रेंज टेस्ट वगैरह कर रखे हैं, नीचे आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट वगैरह का, तो आप जो है ओला का, आप जो है TVS वगैरह के वीडियोज़ जो है देख सकते हो, iQube वगैरह के, और भी बहुत सी कंपनी की गाड़ियों के मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो नीचे आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए बारे में चर्चा करेंगे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।